तो यार भाई एक्टिंग के मामले में भाई अगर शाहरुख खान बाप है तो शाहरुख खान का बेटा तो कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है। एंड भाई यही प्रूफ करने के लिए शाहरुख खान का एक छोटा सा टीजर अनाउंसमेंट आया, जिसमें आर्यन खान का एक छोटा सा कमबैक दिखाया गया। एंड भाई कमबैक बहुत ही ज्यादा शानदार है। आपने थोड़ा दिन पहले एक बात सुनी होगी कि शाहरुख खान का बेटा वोडका बेचेगा, क्योंकि बहुत ही सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही थी एंड ट्विटर पे ये हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा था कि शाहरुख खान का बेटा वोडका बेचेगा। वोडका का मेरा मतलब इसलिए ये नहीं कि भाई कोई देसी वगैरह कोई होगा, लेकिन शाहरुख खान के बेटे ने खुद की अपनी एक पर्सनल कंपनी लॉन्च की जिसका नाम है ड्यूल एक्स। एंड भाई लिटरली ये कंपनी एक वोडका मतलब शराब बनाने की कंपनी और इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन भी ली है। तो भाई शाहरुख खान ने खुद ने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया एंड शाहरुख खान ने उस कंपनी का प्रमोशन किया। एंड लिटरली आप सोच सकते हो कि एक दिन के अंदर 1 मिलियन लोगों ने उसे फॉलो भी कर चुका है। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान लिटरली थोड़ा बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि भाई जो जो नेपोटिज्म के शिकार हुए सारा जानवी कपूर शाहिद कपूर ये सब लोगों को टैलेंटेड थे, लेकिन टैलेंटेड नहीं है। वही अगर बात करें हमारी आर्यन खान की तो भाई लिटरली बंदा बहुत ही टैलेंटेड है, क्योंकि उसने अपने खुद के स्टार्टअप पे खुद की डायरेक्शन के हिसाब से एक पूरी कंपनी स्टार्ट किया है, अपने पापा के नाम को थोड़ा सा यूज किया है, थोड़ा सा यूज नहीं भी किया है और अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। कल जब हमने इंस्टाग्राम पे उसके ड्यूलक्स के एडवर्टाइजमेंट को देखा तो भाई खुद हक्का पक्का रह गया, क्योंकि लिटरली बहुत ही शानदार उन्होंने एक्टिंग की थी और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी भाई उस एड के अंदर बिल्कुल सूट करती है। आर्यन खान बिल्कुल अपने पापा की तरह लग रहे हैं। और खान भी अपने उस एडवर्टाइजमेंट से जवान का थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया, क्योंकि शायद हो सकता है जवान के अंदर भी उस मूवी के मतलब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होगा कि जवान मूवी के अंदर भी कुछ शराब के वगैरह लेन देन होगा एंड कोई ड्रग्स का मामला होगा एंड कुछ ना कुछ अलग ही होगा। डंकी मूवी के अंदर हमें पूरी हिंट दे दी गई थी कि मूवी में क्या होगा, लेकिन हमें जवान मूवी के अंदर बिल्कुल भी हिंट नहीं दिया गया था कि कुछ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो यार कुछ भी कहो यार मूवी का अनाउंसमेंट मेरे को तो लिटरली बहुत अच्छा लगा एंड जवान मूवी का मतलब हाइप बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो चुका है। तो आप सोच सकते हो कि यार जवान मूवी के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। तो यार आई होप आपको ये जवान का टीजर जो अच्छा लगा होगा एंड एडवर्टाइजमेंट का जो तरीका है किस प्रकार से किस लेवल का बंदे का दिमाग चलता है वो भी भाई बहुत ही क्रिएटिव है, क्योंकि एक छोटे से एड की वजह से उन्होंने अपनी जवान मूवी का पूरा प्रमोशन कर दिया एंड मूवी की हाइप क्रिएट कर दिया। तो यार आप सोच सकते हो कि यार मूवी कितनी ब्लॉकबस्टर हो। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।